सो है गाइस, स्वागत है आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर। फर्टिलाइजर सेक्टर के शेयरों में आज हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। आपके बहुत से भाइयों के कमेंट आएंगे कि आप लोग भागने के बाद वीडियो बनाते हो। जी हाँ, कल शाम की वीडियो आपने देखी होगी, फर्टिलाइजर्स शुगर सेक्टर दो सेक्टर्स हैं वो हमने चूज किए थे। उनके अंदर मैंने आपको कुछ एक स्टॉक्स बताए थे, चंबल फर्टिलाइजर्स फेवरेट स्टॉक, दीपक फर्टिलाइजर्स फेवरेट स्टॉक, उसके बाद आप लोग देखो जो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स है ये हमारा फेवरेट स्टॉक्स था, उसके साथ साथ नेशनल फर्टिलाइजर्स, और नेशनल फर्टिलाइजर्स के साथ साथ हमारा जो अभी RCF, ये स्टॉक हमारे मेन थे जिसके अंदर आज आप लोग देखोगे इन सभी शेयरों में एक जबरदस्त एक्शन, 10-10% की तेजी के साथ साथ 20-20% की रैली भी इन शेयरों में हमें देखने को मिली है। जबकि इनकी जो ओपनिंग हुई थी ना वो प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास हुई थी, उसके बाद इन शेयरों में गिरावट भी बनी थी भाई, लेकिन फिर आप लोग देखोगे इन शेयरों में एक जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिला है। तो कल की वीडियो मैंने क्लियर बोल दिया था, ये 4-5 स्टॉक आपको बोले थे कि इन शेयरों को हम जो अभी होल्ड करके चल सकते हैं। तो अगर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो इन शेयरों में आने वाले टाइम में एक जबरदस्त एक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल सेक्शन में आओगे भी, और यहाँ पर आपको जो है अभी इन शेयरों के रिगार्डिंग मैंने कल ही के दिन वीडियो जो है अभी अपलोड करके दे दी थी, जहाँ पर आपको क्लियर बोला था, और सुबह सुबह भी आप लोगों ने वीडियो बनाया था जब इन शेयरों में 8-8, 10-10% के आसपास तेजी थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी ये वीडियो मैंने कल के दिन अपलोड किया था, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो जो भी ये फर्टिलाइजर सेक्टर स्टॉक्स है इनके बारे में जानकारी दी थी, ये वीडियो मैंने 20 घंटे पहले की, अभी कल शाम 10 बजे के आसपास की है। फर्टिलाइजर सेक्टर एंड जो शुगर सेक्टर दोनों एक्शन में रहेंगे, गवर्नमेंट का बड़ा प्लान है, रॉकेट बनने की तैयारी है भाई अब इनकी, ठीक है, बड़ी रैली की तैयारी है, और वो हमें आज देखने को मिल भी गया भाई। शुगर स्टॉक्स और जो भी आप लोग देखोगे फर्टिलाइजर स्टॉक्स है इनमें जबरदस्त एक्शन है। तो चलिए एक बार इनके देख लेते भी प्राइज एक्शन, प्राइज में तो एक जबरदस्त एक्शन आया है। कुछ एक शेयर है जिनको आगे के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए क्या नहीं, और सबसे पहले जो तेजी बनी है वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखो मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही अपडेट आई हुई है, सभी के मन में एक ही डाउट है तेजी क्यों बनी है। तो तेजी के पीछे का कारण यहाँ पर बताया गया, NFL है, NF जो ATC है इसके अंदर है, और RCF है, अन्य उर्वरक यानी जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं उनमें तेजी रही है, 20-20% तक के एक्शन दिखाई दिया आज के दिन। तो तेजी के पीछे का रीजन क्या है, उससे पहले आप लोग देखो नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा कि उर्वरक क्षेत्र जिसने हाल के वर्षों में मिश्रित प्रदर्शन किया, कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा अभी कुछ एक दो सालों में आप लोग देखोगे तो, जो फर्टिलाइजर सेक्टर इनमें वर्तमान में उच्च वीटा हाई वीटा क्षेत्र में नेतृत्व के पहले आप लोग देखोगे संकेत प्रदर्शित कर रहा है, जबरदस्त एक्शन कर रहे हैं स्टॉक। और यहां पर आप लोग देखोगे सबसे बड़ा जो कारण है 22 तारीख को हो रही, देखो ये जो GST काउंसलिंग है, ठीक है, GST परिषद की बैठक शनिवार को हो रही है 22 जून को, उसमें आप लोग देखोगे भी चांसेस हैं कि जो उर्वरकों को GST के दायरे से हटाने का फैसला लिया जा सकता है, या फिर यहाँ पर देखो भी कंप्लीटली तो बाहर नहीं निकाला जाएगा GST से, यहाँ पर GST कम कर दी जा सकती है, 5% तक कम होने की संभावना यहाँ पर है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो सरकारी क्षेत्र की नेशनल फर्टिलाइजर्स कंपनियाँ हैं उनके शेयरों में आज हमें जो एक्शन देखने को मिला है, चंबल फर्टिलाइजर है, RCF है, या फिर अन्य जो भी फर्टिलाइजर सेक्टर स्टॉक्स है 20-20% के आसपास तेजी में रहे हैं अभी। तो GST कम होने की खबरों के चलते ये स्टॉक बिल्कुल फोकस में है। इसी चलते एक और बड़ी खबर आई थी भाई, वो खबर क्या थी, MSP में बढ़ोतरी को लेकर बाजार में आशावाद के कारण भी कीमतों में यह तेज उछाल देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ फसलें हैं उनके अंदर आप लोग देखोगे जो MSP है वो बढ़ा दी गई है अभी, ठीक है, बढ़ा दी गई है, जिसे चलते आप लोग देखोगे इन शेयरों में और भी एक्शन हमें देखने को मिला है। तो ये कारण रहे अभी तेजी के पीछे, इन शेयरों में और रैली बन सकती है, और वो रैली कब और कैसे बनेगी, क्योंकि अभी कल का दिन बीच में अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तो पैनिक नहीं होना है, अभी होल्ड करने का टाइम, अगर आप लोगों ने खरीदारी की हुई है या फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो अभी मार्केट का माहौल देखना किस प्रकार का माहौल है मार्केट का, अगर गिरावट हो रही है शेयरों में तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग का जो माहौल बन सकता है, अदरवाइज इनमें एक्शन की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि 22 तारीख कल आपको पता होगा शुक्रवार है, और शनिवार के दिन ये जो GST काउंसलिंग है वो होने जा रही है, GST की मीटिंग हो रही है,
रही है काउंसलिंग की मीटिंग, और उस कंडीशन में आप लोग देखो अगर जीएसटी यहाँ पर कम होती है तो इन शेयरों में रैली बनने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई, चाहे वो फर्टिलाइजर सेक्टर से कोई भी स्टॉक बिलोंग करता हो, सभी में रैली बनेगी, ठीक है। और जो एनएफएल है उसके ऑलरेडी मैं लेवल्स वगैरह आपको बता चुका हूँ, और इनके भी एक आध शेयरों के जो लेवल्स वगैरह वो देख लेते हैं। अगर बात करें आरसीएफ की तो आरसीएफ में भी आप लोगों ने ब्रेकआउट आते हुए नजर आया, जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया। ट्रेंड लाइन के साथ साथ आप लोग देखोगे यहाँ पर हमें पीछे का जो हाई था ये भी ब्रेक आते हुए नजर आया। तो यहाँ पर अगर आपकी होल्डिंग है स्टॉक के अंदर, देखो अभी पहला सपोर्ट तो रहेगा अभी 289 रुपये के आसपास का, और जो दूसरा सपोर्ट हमारा रहेगा यहाँ पर वो रहेगा अभी 206 रुपये का करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप लोगों ने खरीदारी की हुई है। टारगेट ऊपर में आप लोग 250 के आसपास के हमें देखने को मिल सकते हैं, तो 206 रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो भी जो ये जीएसटी काउंसलिंग हो रही है उसका आप लोग वेट करना चाहते हो तो 189-190 रुपये के आसपास का जो ना भी सपोर्ट है नीचे में, टारगेट ऊपर में 250 प्लस के हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड। तो यहाँ पर आप लोग देखो चंबल फर्टिलाइजर्स में भी एक जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिला, एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। 515 का नीचे में सपोर्ट के तौर पर लेवल लेके चल सकते हैं, टारगेट ऊपर में 640 रुपये के आने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक का लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जीएनएफसी में भी हमें एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आए, इस ब्रेकआउट के बाद इसके चांस है ऊपर में 812 रुपये तक के मूव आने के, बट नीचे में सपोर्ट रहेगा अभी 729 रुपये का। तो 729 रुपये का नीचे में सपोर्ट और ऊपर में टारगेट आने की संभावना है 812। इसके अलावा आप लोग और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कमेंट कर देना भाई, मैं लेवल्स आपको वहाँ पर बता दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।